हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग वीडियो वापस से लेकर के आ गई हूँ। आप लोग को इसके अंदर भी काफ़ी सारे बातें ऐसे पता चलेंगे जो आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप में यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने दो मॉइस्चराइज़र का लेकर के आया था। इसमें अभी हर बार मेरे को अगर देखोगे ना तो उसमें छोटा वाला मॉइस्चराइज़र लेकर के आ रही थी। मैं इस बार कुछ बड़ा वाला लेकर के आई थी क्योंकि उनको पसंद आ गया था छोटे वाले का रिजल्ट, तो उसको बड़ा पैकेट चाहिए था वो लेकर के आई थी। और एक वेट वाइप्स लेकर के आया था, मेरे पास 3 पैकेट था तो मैं उसका 4 सेट रखती हूँ रेडी। तो मैं एक ख़त्म हो गया था तो मैं वो लेकर के आई एक, और एक ये क्यूटिकल रेज़र था। और ये आप देख सकते हो डोनट के जाली हैं। तो ये बिग साइज़ वाला मैं एक बार लेकर के आई थी, मीडियम साइज़ का मैं लेकर के आई थी। फुल साइज़ में मीडियम साइज़ होता है वो लेकर के आया था। और ये चोटी के कुछ कलेक्शन लेकर के आए थे, ये मेरा ख़त्म हो गया था। मैं एक एक पीस ही लेकर के आती हूँ, हर वैरायटी का एक एक पीस चोटी में, तो वो मेरा ये दोनों में से ख़त्म हो गया था। और इसमें एक था डेकोरेशन वाला, वो बचा था वो नहीं लेकर के आई, तो ये दोनों लेकर के आया था। और ये कुछ डेकोरेटिव डिस्प्ले करने के लिए, कुछ जो थोड़ा फैशन शेड में होता है उसके हिसाब से मैंने परफ्यूम लेकर के आया था डिस्प्ले करने के लिए। दिखने में बहुत इफेक्टिव लगता है और बहुत लोगों को पसंद आता है, तो लोग पूछते हैं फिर बाय भी करते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ अच्छे मॉडल वाला लेकर के आया था। ये कुछ मैंने फेयर एंड लवली का बॉक्स लेकर के आया था, देख सकते हो। 3 साइज़ मैंने छोटा वाला लेकर के आया था, एक मीडियम लेकर के आई थी और एक लार्ज वाला लेकर के आया था। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी भी वही है जो पहले थे। मैं छोटा वाला 3 इसलिए करके आई थी क्योंकि मैं छोटा वाला 3 रख, मैं तीनों का 3-3 साइज़ ही रखती हूँ, मतलब 3-3 वैरायटी रखती हूँ। छोटा वाला मेरा सब खत्म हो गया था, उसमें एक ही बचा था, इसके वजह से मैं 3 पैकेट छोटा वाला लेकर के आई। छोटा वाला मेरे पास ज़्यादा सेल होता है। मीडियम वाला और लार्ज वाला जो है ना, वो मेरे पास एक एक ही निकला था पीस, तो मैं उसको 3 पूरा करने के लिए वो लेकर के आई थी। आप लोगों को भी अपने कॉस्मेटिक शॉप में ऐसे ही करना है। कुछ कुछ वैरायटीज़ क्या होते हैं ना, आप लोग कुछ कुछ होते हैं न्यू, जो न्यू शॉपकीपर होता है ना, वो क्या सोचता है ना कि मैं एक ही बार ढेर सारा स्टॉक भर लूँ, जैसे एक ही चीज़ का 12-12 वैरायटी रख लूँ, तो वो 12-12 वैरायटी आप लोगों को नहीं रखना है। 12 के बदले आप 3-3 वैरायटी रख के आप उसके क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी वाइट टोन हो गया, फेयर एंड लवली हो गया, तो 3-3 पीस करके सब कुछ रखना, तो उससे क्या लोगों को वैरायटी में देखने मिल जाएगा। ये कुछ मैंने ऑक्सी का ब्लीच लेकर गया था, छोटा पैकेट वाला यू वन यूज़ वाला। और ये परफ्यूम का कॉम्बो सेट लेकर के आई थी, इसके MRP 590 समथिंग कुछ 575 है। तो ये कॉम्बो सेट होता है, इसमें डीओ और परफ्यूम दोनों भी होता है अवेलेबल, तो वो मैंने लेकर के आया था। और ये कुछ मैंने देख सकते हैं आप, इसके अंदर बैंटेक्स का टॉप्स लेकर के आई थी। हर बार मेरे को जो डिज़ाइन पसंद आता है मैं ज़्यादातर वही लेकर के आती हूँ। लटकन में ये वाला जो डिज़ाइन है ना गाइस, मेरे पास यही सेम टू सेम, मैंने इसके पहले भी लेकर के आया था, उसके अंदर से बहुत अच्छा मेरा सेल हुआ था, पूरा सेल आउट हो चुका था। तो उसमें से एक क्लाइंट बोली थी मुझे एक पीस और चाहिए, तो उनके लिए मुझे ये पूरा सेट लेकर के आना पड़ा, पूरा पत्ता लेकर आना पड़ा उसके लिए। वही सेम टू सेम डिज़ाइन लेकर के आया था, बहुत ही ढूंढने में डिफ़िकल्ट हुआ था बट मिल गया था, तो वो लेकर के आई थी। तो एक एड़ी वाला मंगलसूत्र लेकर के आई थी और 2 बीड बैग्स लेकर के आई थी। अगले बार मैं 3 वैरायटी लेकर के आई थी, इसमें से 2 उसमें से ये दोनों ख़त्म हो गया था, वही दोनों मैंने वापस लेकर के आया है। डार्क ब्राउन का लेसेस का बॉक्सेस लेकर के आई थी एक में, आप इसमें देख सकते हो वैरायटी मैंने बहुत कम लेकर के आया है क्योंकि बहुत रिसेंट में नेक्स्ट वीक में लेकर आई थी। मैं बहुत सारा सामान लेकर के आई थी बट इस बार मैं थोड़ा सा कम लेने गई थी, बट नहीं बोल के भी मैंने भी 4000 का सामान वापस से लेकर के आ गई। मैं हमेशा जाती हूँ 4000 का सामान लेकर के ही आ जाती हूँ। इसमें से कुछ परफ्यूम्स और कुछ शैम्पू के वैराइटीज थे जो कि सेल आउट हो चुका था डिस्प्ले करते टाइम ही, तो वो वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी थे इसलिए 4000 का कॉस्ट हो चुका था मेरा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सारा चीज़ एक ही जगह पे फैला के रख लेती हूँ, तो वो लोगों को दिखने में आ जाता है और उस लोग वहीं पे पसंद कर लेते हैं। मैं वीडियो बनाऊँ उसके पहले मेरा सेल आउट हो चुका है, कुछ चीज़ें सेल आउट हो जाता है, तो उसमें मेरे वीडियो में नहीं दिखा पाती है लोगों को। मैं ट्राई करूँगी कि जब मैं लेकर के आऊँ मैं रात को वीडियो बना के रख लूँ, बट टाइम नहीं मिल पाता है, मैं रात को लेट आती हूँ मार्केट से, तो दोपहर को वीडियो बनाती हूँ। तो दोपहर को जब वीडियो बनाओ तो पूरा जगह पे मेरा डिस्प्ले हुआ रहता है, पूरा फैला रहता है, तो वहीं से लोगों को पसंद आ जाता है, तो वहीं से निकल जाता है, तो मैं वीडियो में नहीं आ पाता है वो चीज़ें। ये कुछ बिंदी के पत्ते मैं अलग अलग लेकर के आई थी। उसमें क्या होता है ना, जब वो लोग सेल करते हैं ना तो कभी कभी कुछ कुछ पत्ते गिर जाते हैं, तो उसका भी वो लोग एक अलग सेक्शन बना के रख देते हैं। अगर आपको अलग अलग वैरायटी रेडी कराना है पत्ते का, बट लेना पड़ता है आपको एक, मतलब बड़े साइज़ में 24 और छोटे वाले में 36 पत्ता लेना ही पड़ेगा आपको, तो वो चुन चुन के आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो वो मैंने अलग अलग लेकर आया था, उसके अंदर पत्ता बनवा करके रेडी करा के। ये कुछ ईयरिंग्स के टॉप्स मेरे को छोटे छोटे बहुत पसंद आ गए थे, तो मैं वो छोटा मोटा लेकर के आ गई। 30 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का रेंज है इसके अंदर। तो इसके अंदर देख सकते हो वही पुराना डिज़ाइन ही पैटर्न है, तो मैं इसमें दिखा नहीं रही विजिबल करके, वो लेकर के आई थी। अगर मेरे चैनल पे आप बहुत पुराने वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने बहुत ही पहले मेंशन किया था, मैंने बहुत वीडियो में बोला भी है कि मुझे गमर पट्टे का वैरायटी लटकने वाला अवेलेबल नहीं हो रहा था,
तो मैं वो नहीं लेकर के आ पा रही थी। बट मैं इस बार गई तो मेरे को लटकन वाला चाहिए नहीं था। इस बार मैं कमर पट्टा लेने ही नहीं गई थी एक्चुअली, बट मेरे को दिख गया बहुत दिनों बाद। तो मैं तीन वैरायटी लेकर के आई जो मुझे पसंद आया। तो इसका डिज़ाइन देख सकते हो गाइस, इसके अंदर लटकन में तीनों लटकन होता है। तो इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम बहुत ही चांस होता है कि आपको मिल पाए। तो डिफरेंस बहुत ही बेकार होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक क्वालिटी होता है बहुत ही चीप क्वालिटी होता है, वो अपने पास रखते रखते ही ब्लैक पड़ जाता है। तो मैं वो नहीं लेकर के आती हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का लेकर के आती हूँ। इसके MRP आपने मैंने दिखा दिया था, 250 पर पीस सेल होने वाला है। अगर बहुत सामान लेते हैं कोई तो मैं 200 तक भी सेल आउट कर देती हूँ। इसमें भी मुझे बस तीन ही डिज़ाइन मुझे पसंद आया था तो वो लेकर के आई थी। इसमें से दो डिज़ाइन सेम है, उसमें कलर अलग अलग है और एक बिल्कुल भी अलग है। उसका डिज़ाइन भी अलग है, कलर भी अलग है। तो मैंने बस तीन ही पीस लेकर के आया था। कमर पट्टा में मैं बहुत सारा वैरायटी लेकर के आई थी, मैं नहीं बोल के मैं 12-13 वैरायटी लेकर के आई थी। तो वो मैंने वीडियो बना करके अपने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो मेरा अलग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। और उसमें बहुत सारा वीडियो है ऐसा कि बहुत ही आपको हेल्प होने वाला है वो वीडियो देखने के बाद। आप अपने कॉस्मेटिक शॉप में बहुत सारा इंक्रीज ला सकते हो। इंक्रीजमेंट बहुत ज़रूरी है गाइस। अपने को कॉस्मेटिक शॉप मालूम होना चाहिए कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, आपको कौन सा लाना चाहिए। तो ये मेरा ऑल ओवर प्रोडक्ट था जो मैं लेकर के आई थी। इस बार मेरे पास 4000 का प्रोडक्ट मैंने वापस से लेकर के आ गई थी, क्योंकि मैं 4000 ही लेकर के गई थी। तो मैं उसमें जितना भी हो सका मेरे पास मैं लेकर के आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था इस बार, बट कुछ चीज़ें चाहिए था। तो मैं उसके वैराइटीज़ पे और भी सामान लेकर के आ गई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।